वेलकम बच्चों, आपका मेरे चैनल साइंस क्लासेस बाय डॉक्टर कुमकुम सक्सेना में बहुत स्वागत है। और आज बताने जा रही हूँ मैं आपको, जो हम कोशिका की रचना पढ़ रहे हैं नाइन्थ क्लास की चैप्टर फिफ्थ, उसमें दोनों कोशिकाओं का अंतर, जंतु कोशिका एवं वनस्पति कोशिका में क्या अंतर है, ये सामने आपके बनी हुई है, इसको खूब अच्छे से देख लीजिए और समझिए। सबसे पहले क्या है कि मैं आपको बताऊंगी कि जो वनस्पति कोशिका है इसमें बहुत मोटी है ना, मोटी सी डेड सेल्स की बनी हुई कोशिका भित्ति होती है। सामने आप देख रहे हो ये कोशिका भित्ति बनी हुई है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर मोटी कोशिका भित्ति पाई जाती है जो कि जंतु कोशिका में इसका अभाव होता है। जंतु कोशिका केवल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा ही आवरण इसका होता है, सुरक्षित होती है, लेकिन वनस्पति कोशिका में डेड सेल्स की बनी एक कोशिका भित्ति मोटी सी होती है, ये सामने आपको दिखाई पड़ रही है, जो कोशिका को रिजिडिटी प्रदान करती है। और रिक्तिका दूसरा नंबर आप देखिए, रिक्तिका इसमें कितनी बड़ी है और इसमें जो रिक्तिकाएं हैं वो छोटी छोटी पाई जाती हैं, इसमें एक या दो ही होती रिक्तिकाएं, ज्यादा नहीं होती हैं। और जंतु कोशिका में रिक्तिकाएं बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती हैं और रिक्तिका जो है बहुत बड़ी होती है और कोशिका का बहुत अधिक भाग जो है वो 15 से 90% भाग सेल वॉल के का ये घेर लेती हैं और घेर के जो है ये अब उसमें व्यवस्थित होती हैं। और जंतु कोशिका में रिक्तिकाएं अत्यंत छोटी पाई जाती हैं। तीसरा अंतर है कि जो न्यूक्लियस है वो वनस्पति कोशिका में कोशिका भित्ति के पास में होता है। यहाँ पे देखो ये बिल्कुल पास में लगा हुआ कोशिका भित्ति के बिल्कुल पास में इधर को आ गया, तो न्यूक्लियस या केंद्र जिसे बोलते हैं वो कोशिका भित्ति के पास में पाया जाता है वनस्पति कोशिका में, लेकिन जंतु कोशिका में ये जो है सेल कोशिका के बीच में न्यूक्लियस कोशिका के मध्य में पाया जाता है। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो आपको मैंने बताई दी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन से घिरा होता है, लेकिन इसके बाद कोशिका डेड सेल्स की बनी कोशिका भित्ति पाई जाती है। अगला अंतर है लवक, इसमें जो है कई प्रकार के लवक वनस्पति कोशिका में पाए जाते हैं, जो फूलों को पौधों को क्रोमोप्लास्ट जिन्हें कहते हैं रंग प्रदान करते हैं, इसमें लवकों का अभाव पाया जाता है। जो जंतु कोशिका है इसमें लवक नहीं पाए जाते, इसमें हरित लवक पाया जाता है। हरित लवक नाम का एक पिगमेंट जो भोजन बनाता है सूर्य के प्रकाश में, वायुमंडल से पानी और कार्बन डाइऑक्साइड लेके भोजन का निर्माण करता है, इसलिए पौधों को हम स्वपोषी कहते हैं, लेकिन जंतुओं में इसका अभाव होता है, क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है। जंतु अपने भोजन के लिए दूसरों पर डिपेंड करता है, जैसे पेड़ पौधा है कोई मांसाहारी होता है कोई शाकाहारी होता है, तो हम लोग क्या खाते हैं दालें सब्जियां आदि खाते हैं, या जीव जंतु भी कुछ लोग मार के खाते हैं। तो ये इसमें जो है वनस्पति कोशिका में चूंकि हरित लवक पाया जाता है, जितने भाग अरे कुछ क्लेबेडोमोनास और इलोथ्रिक्स मैंने बताया था उसमें भी क्या होता है कि हरित लवक पाया जाता है, तो वो भी अपना भोजन जो है स्वयं बनाते हैं, जितने हरे पौधे या हरे जंतु भी हैं वो भी अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। बाकी मनुष्य ज़्यादातर अधिकतर अपने भोजन के लिए पेड़ पौधों पर डिपेंड करता है। ये आपके सामने जो है जंतु कोशिका बनी, ये वनस्पति कोशिका बनी हुई है और क्लोरोप्लास्ट मेन है, इसका जो वनस्पति कोशिका का मेन घटक है वो क्लोरोप्लास्ट है जो भोजन बनाने में पौधे की मदद करता है। जंतु कोशिकाओं में कोई क्लोरोप्लास्ट क्रोमोप्लास्ट नहीं पाया जाता, मनुष्य का स्वयं का कलर होता है, चाहे वो सांवला हो चाहे वो गोरा हो कैसा भी हो, लेकिन ये पौधे को क्रोमोप्लास्ट नाम एक पिगमेंट होता है जिसको बोलते हैं हम क्रोमोप्लास्ट, जो पत्तियों पौधों को जो है कलर प्रदान करते, कुछ पत्तियां भी कलर्ड होती हैं आपने देखा होगा, और कुछ जो है फूल तो होते ही, फूलों को रंग कौन प्रदान करता है, लवक का ही एक रूप है क्रोमोप्लास्ट। और हरित लवक क्या है, हरा रंग प्रदान करता है पेड़ पौधों को और भोजन बनाने में पौधे की मदद करता है, जिसका अभाव जंतु कोशिका में पाया जाता है। एक नेक्स्ट अंतर है कि लाइसोसोम जो है जंतु कोशिका में बहुत सारे पाए जाते हैं और वनस्पति कोशिका में बहुत ही कम होते हैं या ना के बराबर होते हैं। लाइसोसोम का कार्य अभी आपको पिछले वक्त में बताया गया था कि ये जो है फूड वैक्यूल टाइप के होते हैं और इनमें जो है सब कुछ भरा जाता है, इनको वो कहते हैं कि जो भी अपशिष्ट पदार्थों का भंडार होता है इनमें। इस प्रकार से दोनों चीज़ें आपको बता दी, बना दी गई बहुत दिनों से, आप चित्र में मैंने आपको बना के प्रदर्शित करी जंतु कोशिका वनस्पति कोशिका, और आज ही हमारा चैप्टर समाप्त होता है। बच्चों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें यदि नहीं कर रहा है,
लाइक करें और शेयर करें और कमेंट में अवश्य बताएं कि आपको मेरा पढ़ाना कैसे लगता है। कई बच्चों ने मुझसे कहा था वनस्पति कोशिका की रचना पढ़ाई मैडम, तो मैंने पढ़ाई है, बट कमेंट आपके नहीं आते हैं। आप कमेंट अवश्य करिए कि आप और क्या चाहते हैं। मेरे चैनल को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी फ्री क्लासेज हैं, बिल्कुल पैसे से मुक्त, और दूर बैठ के आप इनको आराम से पढ़िए। यही चीज़ आप कहीं जाएंगे तो ट्यूशन पढ़ेंगे, लेकिन मेरा जो है वो फीस रहित या फ्री क्लासेस आप अवश्य ज्वाइन करिए। धन्यवाद।